Let's begin with the name of Almighty Allah, who is the most gracious and the most merciful. Geological Survey of Pakistan ke andar aur jo LDC ki BPS 9 ke andar jo job hai uske bare mein NTS ka test jo conduct hua hai wo main abhi aapko bataunga kyunki maine ye test I have given this test to iski detail aapko yahan par provide ki jayegi. To ye jo test tha iske andar teen cheezein thi, general knowledge, English aur computer science. इनका जो है 20 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस था और जनरल नॉलेज जो है 60 मार्क्स का था और इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स का था. जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें थी ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ. जनरल नॉलेज के अंदर जो चीज़ें थी उसे उसके अंदर जो है वो हिस्ट्री थी, जोग्राफिया था, इस्लामियात थी, करंट अफेयर थे, इंटरनेशनल अफेयर्स थे, पाक स्टडीज़ थी. और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर जो चीज़ें थी वो उन चीज़ों में जो है वो हमारी छठी क्लास की बुक से लेकर, मतलब बेसिक तो पहले होता है लेकिन छठी क्लास की बुक से हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह लेकर उन्होंने जो है ग्रेजुएशन की बुक्स तक जो चीज़ हमने स्टडी की हुई हैं वो उन्होंने उसके अंदर दी हुई थी. अगर हम उस चीज़ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं तो NTS, CTS, PTS ये जो सारे टेस्ट हैं हम लोग PPSC वगैरह हम लोग इनको ईजीली क्लियर कर सकते हैं. आपको पता है हमारा दूसरा पॉइंट इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर जो है LDC की पोस्ट के लिए हमारे पास 20 मार्क्स के MCQs थे और MCQs जो है वो टेंसेस, प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह से थे और कॉम्प्रिहेंशन का एक पैराग्राफ भी इसके अंदर दिया गया था जिसमें से 5 MCQs लिए गए थे. मज़ीद कंप्यूटर साइंस की तरफ अगर हम आएँ तो इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर साइंस के 20 MCQs थे और उन 20 MCQs में उन्होंने शॉर्टकट कीज़ पूछी हुई थी, कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए थे, इसकी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में कुछ MCQs थे और इंटरनेट के बारे में कुछ MCQs थे और बेसिक यूज़ ऑफ कंप्यूटर और मेमोरी यूनिट के बारे में MCQs थे. तो LDC की पोस्ट के लिए जो है वो इस तरह का जो है वो पेपर था और हर MCQs एक नंबर का था. इसमें नेगेटिव मार्किंग NTS, PTS, CTS में कोई नहीं होती. और उसके बाद ये टाइपिंग का टेस्ट शायद बाद में लेते हैं. पहला जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था उसके अंदर 100 मार्क्स का इन्होंने सिर्फ पेपर लिया और इनका जो है एक SMS आता है, एक जिसे हम कॉल लेटर कहते हैं और अपनी वेबसाइट पर ये कॉल लेटर भी अपलोड करते हैं जिसका लिंक हमें सेंड कर देते हैं जहाँ से डाउनलोड करके एड्रेस तक पहुँचना पड़ता है.